हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज और कैंपस के अंदर जो हमारी BPS पाठ्यक्रम है, जो कि UG कोर्स है, उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट हमारी 22 सितंबर को यहाँ पे प्रकाशित होने वाली थी, जो कि 22 सितंबर की शाम को यानी रात में वो हमारी आ गई है। तो फर्स्ट मेरिट कट ऑफ को आपको चेक कैसे करना है और कैसे आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी की नोटिस सेक्शन के अंदर जो कि एडमिशन वेबसाइट पे आपको नोट मिल जाएंगे, BPS पाठ्यक्रम की जो पहली मेरिट लिस्ट आने वाली है हमारी कॉलेज की और कैंपस की, जो कि हमारी 22 सितंबर की शाम को आने वाली थी, वो हमारी 22 सितंबर की रात को आपको देखने को मिल गई है, जिसमें मेरिट कट ऑफ आपको चेक करनी है। मेरिट कट ऑफ अगर जितनी भी आपको शो कर रही है उसमें जो आपका मेरिट इंडेक्स है उस मेरिट कट ऑफ के अभाव लाइक करता है, तो आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ चुका है और आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। ऑफर लेटर डाउनलोड करके आपका अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में, यानी इस टाइम पीरियड में 3 कार्य दिवस के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट सब कॉलेज या कैंपस के अंदर सबमिट करा के, जिसमें भी आपका मेरिट लिस्ट 1 के अंदर नेम आता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आपको अपना एडमिशन कंप्लीट कर लेना है और अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। तो अब बात करते हैं कैसे आपको मेरिट कट ऑफ को चेक करना है। इसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जहाँ पे उसमें मिलता है मेरिट कट ऑफ का ऑप्शन, जहाँ पे ऑप्शन क्लिक मिलता है, तो यहाँ पे आपको किसकी कट ऑफ चेक करनी है, कैंपस की कट ऑफ चेक करनी है, कॉलेज कट ऑफ चेक करनी है। तो सबसे पहले हम कॉलेज कट ऑफ चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो गेट कॉलेज के मेरिट कट ऑफ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद है कि आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना, जो कि BPS। इसके बाद ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करने लाए, जो प्रेफरेंस के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट किया था, जिस कॉलेज सेक्शन आपने प्रेफरेंस के अंदर फिल किया था उस डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको सेलेक्ट करना है, राइट कैप्चा फिल करना है, सर्च नाउ क्लिक करना है। क्लिक करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कॉलेज हैं जो आपके BPS कोर्सेज को करा रहे हैं उसकी डिटेल आपको सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ चेक करनी है कि आपने प्रेफरेंस के अंदर कौन सा कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट किया था, उस कॉलेज कट ऑफ चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस के अंदर कॉलेज सेलेक्ट किया है NS कॉलेज मेरठ, जो कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें जो BPSC कट ऑफ गई है यहाँ पे, अनुअल कैटेगरी कट ऑफ गई है 55.4, OBC कट ऑफ गई है 46.2, SC कट ऑफ गई है 43%, ST कट ऑफ गई है 0%, EWS कट ऑफ गई है 0%। तो यानी आपको चेक करना है जो आपका मेरिट इंडेक्स है इस कट ऑफ से अबाव लाई कर रहा है, इसे इक्वल लाई कर रहा है, तो आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ चुका है, तो आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। सेम तरीके से आप बाकी कॉलेज की भी यहाँ कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो आपको मेनली कट ऑफ उनकी चेक करनी है जो आपने प्रेफरेंस के अंदर अपना फिल किया था, अपना सेलेक्ट किया था कॉलेज का नेम, उसी कट ऑफ कितनी है आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अब चेक करना है कि आपका मेरिट इंडेक्स उस कट ऑफ से अबाउ लाई कर रहा है, क्वालाई कर रहा है, तो ये आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आएगा। सेम तरीके से हम कट ऑफ चेक कर लेते हैं अपनी कैंपस कट ऑफ, इसमें हमारा सेलेक्ट करते हैं अपने यहाँ पे BPS कोर्सेज को, इसके बाद ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर राइट कैप्चा फिल करते हैं और फिर सर्च नाउ ऑप्शन क्लिक करते हैं। सर्च नाउ ऑप्शन क्लिक करने में कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है BPS की कैंपस की भी हमारी कोर्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी कोई हमारे मेरिट लिस्ट यहाँ पे शो नहीं कर रही है। अगर हम कैंपस की यहाँ पे मेरिट कट ऑफ चेक कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाए, तो आप कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। सेम तरीके से कॉलेज कट ऑफ आपको शो कर रही है, सेम तरीके से आपको कैंपस कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी। तो अब कैसे पता करना है कि आपका मेरिट कट ऑफ के अंदर नेम आया है नहीं आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, तो इसके लिए देखिए सेम आपको आ जाना है डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट फॉर्म का नंबर मेंशन करना है, पासवर्ड मेंशन करना है, राइट फिल करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपकी डिटेल्स शो करेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको व्यू प्रिंट कॉलेज फॉर्म और कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपने कॉलेज के लिए फॉर्म फिल किया है, कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है, वो आपकी डिटेल्स शो कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने कॉलेज के लिए फॉर्म फिल किया है, तो आपने कैंपस के लिए फॉर्म किया, तो कैंपस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म को उसमें क्लिक करके आप कैंपस का मेरिट इंडेक्स चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलेज का मेरिट इंडेक्स चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए व्यू प्रिंट का उसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 12th का मेरिट इंडेक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मेरिट इंडेक्स जितना भी है उसको आपको चेक करना है, जो मेरिट कट ऑफ आपको शो हो रही है उसमें से अबाउ शो कर रहा है या उसको इक्वल शो कर रहा है, तो आपका मेरिट लिस्ट का नेम आ चुका है। अगर उसका डाउन शो कर रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट का नेम नहीं आया, आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा। तो अगर आपका जो मेरिट इंडेक्स है आपको मेरिट कट ऑफ से अबाउ शो कर रहा है, तो आपका मेरिट लिस्ट का नेम आ चुका है। अब आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, इसलिए देखो उसमें मिलता है ऑफर लेटर, उसने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपका का ऑफर लेटर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफर लेटर के उसमें आपको सामने आपको प्रिंट ऑफर लेटर उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑफर लेटर का फाइल एंड प्रिंट आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें आपकी डिटेल मेंशन होगी, कोर्स की डिटेल मेंशन होगी, मेरिट इंडेक्स क्या है आपका, साथ में किस डेट से किस डेट तक आपको एडमिशन लेना है, और साथ में कॉन्फिडेंस नंबर होता है जो एडमिशन टाइम पे आपको बताना होता है। तो इसको आपको फाइनल प्रिंट आपको निकाल लेना है, साथ में एडमिशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट, चाहे कॉलेज का हो या कैंपस का जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसका फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। आपका सारे डॉक्यूमेंट जैसे 10, 12 के डॉक्यूमेंट, साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ रजिस्टर्ड आपको कर लेनी है। साथ में आपके पास 2 फोटो चाहिए
और सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपना ऑफर लेटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपने साथ निकाल के, इसका प्रिंट निकाल के 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में अपना एडमिशन कंप्लीट कर लेना है और अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आता है तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ चुका है लेकिन किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपको ओपन मेरिट लिस्ट का वेट करना होता है। तो ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आएगा, उसमें आप अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा बीपीएस पाठ्यक्रम की मेरिट लिस्ट को आपको कैसे चेक करना है, मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आया है नहीं आया कैसे पता करना है, साथ ही ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, जानकारी मैंने आपको इस वीडियो अंदर शेयर कर दिया। थैंक यू।